नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त है और दिन है शनिवार। शनिवार के दिन सरसों के बाजार में कैसी उठापटक रही है, कैसा बाजार घटा है, कहां बाजार बढ़ा है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज शनिवार के दिन बाजार में हल्की फुल्की गिरावट है। जैसा मैंने आपको शुक्रवार के वीडियो में जानकारी दी थी कि शनिवार को सरसों के बाजार में कुछ गिरावट आ सकती है 25 रुपए से लेकर के 50 रुपए की, और ठीक वैसी ही गिरावट बाजार में दिखाई दी है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम में थोड़ी सी गिरावट आई है, हालांकि सोया जो कॉम्प्लेक्स है, सोया तेल जो है वो थोड़ा बढ़त की तरफ है। 1.7 के आसपास कल बढ़त के साथ बंद हुआ था शिकागो वायदा, और आज जो है बाजार बंद है। आप जानते हैं शनिवार इतवार को मार्केट बंद रहती है। तो सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर तो तेजी है, लेकिन जो पाम कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर पाम जो है वो मंदा है। पाम और पाम के उसके दूसरे उत्पादन अभी कमज़ोर हैं। एक धारणा ये बनी है कि मलेशिया के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर जो पाम का उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए अभी हालांकि अल नीनो का असर भी दिखाई दे रहा है, कम से कम भारत में तो बहुत भयानक रूप में दिखाई दे रहा है। आज अगस्त की लगभग 18 तारीख जा चुकी है और जो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है या हरियाणा पंजाब का एक बड़ा हिस्सा है, हालांकि आज हरियाणा के कुछ हिस्सों में बरसात हुई भी है, लेकिन थोड़ी बहुत छिटपुट बरसात हुई है। अभी फतेहाबाद से लेकर के कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, इन एरिया के अंदर थोड़ी बहुत बरसात हुई है। कहीं कोई अच्छी बरसात की संभावना जो थी वो नहीं है और आगे भी नहीं लगती है। तो बरसात नहीं होगी तो अल नीनो के प्रभाव से न केवल ये खाद्य तेल तेज होंगे बल्कि अनाज भी दूसरे भी तेज होंगे, जिनसे फसलों जिनकी फसलें अब इस समय खरीफ की बिजाई से चल रही हैं और विकास पर हैं, और लेकिन वो बरसात के अभाव में कमज़ोर पड़ सकती हैं, उत्पादन कमज़ोर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के पाम तेल के अंदर जो गिरावट आई या KLC टूटी, कल KLC डाउन होकर के बंद हुई, तो उस कारण से ही जो है आज बाज़ार 25-50 रुपये का टूटा है। आने वाले सोमवार से बाजार में कुछ सुधार संभव हो सकता है, कुछ सुधार दिखाई दे सकता है। हालांकि प्रयास करेंगे कि कल संडे के दिन आपको एक विशेष वीडियो सरसों के ऊपर विस्तार से चर्चा के साथ दिया जाए, जिसमें ये बताया जाए कि कुल उत्पादन कितना है, कुल खपत अब तक कितनी हो चुकी है और आगे जो बाजार है वो दीपावली तक बाजार कैसा रहने वाला है। इन सब विषयों पर चर्चा के साथ आपको कल एक विशेष वीडियो देगी। सरसों और सोया तेल के अंदर अगर ठीक ठाक बाजार रहा तो सोया सोमवार को बाजार में 25-50 रुपए का मार्केट प्लस हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी, मैंने बहुत दिनों से आपसे बार बार निवेदन किया है कि बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। जैसे बहुत बड़े मंदे की संभावना नहीं है वैसे तेजी की संभावना नहीं है। बाजार जो अब जयपुर 6000 के आसपास पहुंचा हुआ है, इसमें 200-250-300 रुपए की गुंजाइश है जो हमें 10 दिन में हफ्ते में देखने को मिल सकता है। और बिनोला तेल में आज कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है, बाजार स्टेबल सा दिखाई दिया है। इसी तरह मूंगफली का तेल भी स्टेबल सा दिखाई दिया है, और इन दोनों तेलों का भविष्य भी अब आगे बहुत ज़्यादा तेजी की तरफ नहीं है, लेकिन बहुत मंदा आगे नहीं रहने वाला है। सरसों के तेल में भी मंदा नहीं है, बिनोला तेल भी नहीं है, और ये पाम और सोया भी बहुत थोड़े थोड़े से अंतर पे काम कर रहे हैं। बहुत थोड़ी सी गिरावट आती है फिर सुधर जाते हैं, फिर थोड़ी सी सुधार होता है फिर गिरावट आती है। एक बहुत थोड़ी सी रेंज के अंदर कारोबार इनका चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया कि 25-50 रुपये का बाजार कमज़ोर हुआ है। भरतपुर का बाजार कल 5611 रुपये पर खुला था, लेकिन आज वहाँ भाव है 5580 रुपये, और 30-31 रुपये की गिरावट मॉर्निंग के सेशन में दिखाई दी थी, और लगभग 20 रुपये का बाजार अब फिर और कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया है। सलोनी का बाज़ार 25 रुपये कमज़ोर हुआ है। सुबह बाजार स्टेबल खुला था, कल जिस भाव पर क्लोजिंग दिया था उसी भाव पर आज ओपनिंग हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद में बाजार थोड़ा 25 रुपये कमज़ोर हुआ है। सलोनी कोटा का भाव इस समय रह गया है 6300 रुपये, अलवर सलोनी रह गया है 6350, और दिग्नेल और शमशाबाद का भाव भी 6350 रुपये है। भरतपुर का बाजार जैसा मैंने आपको बताया कि 5580 या 5560 रुपये तक होना चाहिए। जयपुर 5975, गंगापुर 5560, नडबई 5578, दिल्ली 5650, चरखी दादरी 5600, मुरैना 5375, बरवाला 5380, हिसार 5500 रुपये, ग्वालियर 5500 रुपये, अलीगढ़ 5200 रुपये, गोयलकोटा 5900 रुपये। गोयलकोटा का आप ध्यान रखिए कि ये स्टेबल बाजार चल रहा है। अलवर 5700 रुपये, सुमेरपुर 5585, खेरली मंडी 5610,
नागौर 5200 रुपये, बीकानेर 5150, खैरथल मंडी 5650, मेड़ता सिटी 5350, अबोर मंडी 5080, सिरसा 5300, इंडौन 5600, केकड़ी मंडी 5360, एलनाबाद 5551 रुपये। आज इतना ही, कल रविवार को आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।